वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अलर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। तो फ्रैक्शन नंबर लाइन पे किस तरह से किया जाता है ये देखेंगे हम। तो यू हैव लर्न टू शो होल नंबर्स लाइक 0, 1, 2 ऑन अ नंबर लाइन। तो आप नंबर लाइन पे 0 से 1, 2 ये जो होल नंबर्स हैं उनको तो पढ़ ही चुके हैं, देख चुके हैं हम, ठीक है। ये नंबर लाइन होती है, 0 है इधर, 1, 2 इस तरह से। वी कैन ऑल्सो शो फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। और हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन भी देख सकते हैं। लेट अस ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड ट्राई मार्क 1/2 ऑन इट। अब ये क्या कह रहे हैं कि नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए और उस पर 1/2 लिखने की ट्राई कीजिए। वी नो दैट 1/2 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो ये क्या है, 0 से तो छोटा बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है क्योंकि हाफ है। सो इट शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1। सिंस वी हैव टू शो 1/2 वी डिवाइडेड द गैप बिटवीन 0 एंड 1 इंटू 2 इक्वल पार्ट एंड शो 1 पार्ट एज 1/2 एज शो इन फिगर 7.5। तो क्या क्या इन्होंने खुद ही एक फिगर बना दिया है, नंबर लाइन बना दी है इस तरह से कि आप 1/2 को किस तरह से शो कर सकते हो। जैसे इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की इस तरह से, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो 0 और 1 के बीच में क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इतना पार्ट, ठीक है। कि ये पूरी चीज है होल, ठीक है, ये होल है उसका हमने ऐसे आधा कर दिया तो इस आधे हिस्से को क्या कहेंगे, 1/2, ठीक है। और पूरे को ले लेंगे तो 1/1 यानी कि पूरा वन होल हो जाएगा, ठीक है। सपोज वी वॉन्ट टू शो 1/3 ऑन अ नंबर लाइन। तो सोचो यदि हम 1/3 लिखना चाहें नंबर लाइन पे तो कैसे लिखेंगे। इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट शुड द लेंथ बिटवीन 0 एंड 1 बी डिवाइडेड। तो क्या करेंगे, 0 से 1 तक लाइन में हम कितने इक्वल पार्ट डिवाइड करेंगे कि हम 1/3 लिख सकें। तो 1/3 लिखना है यानी एक पूरा होल है उसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। वी डिवाइड द लेंथ बिटवीन 0 एंड 1 इंटू 3 इक्वल पार्ट एंड शो 1 पार्ट एज 1/3 एंड शो फिगर 7.6। तो ये एक और फिगर दिया हुआ है। तो ये क्या किया हमने, एक लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया 0 से 1 तक, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दी, 1 यहाँ से 0 से 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट, ठीक है। ये 1 पार्ट हो गया, ये 1/3 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1/1 हो जाएगा। तो ये 3 पार्ट में इस तरह से हम एक लाइन को डिवाइड कर देंगे। कैन वी शो 2/3 ऑन दिस नंबर लाइन। 2/3 मीन 2 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट एज शोन फिगर 7.7। तो यहाँ एक और फिगर दिया है, क्या किया है इसमें कि 2/3 बताना है। तो 2/3 बताने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कह रहे हैं ना 2/3 मीन 2 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट यानी ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गए, ये 3 पार्ट हो गए। तो 2 पार्ट के 3 पार्ट करना, ये 2 पार्ट है ना, यहाँ से 1/3, 1/2, 2/3, ये 1/3, ये 2/3, ये 3/3, ठीक है। तो जो 0 से 1 तक था यानी जो सेकंड पार्ट था, यहाँ से सेकंड पार्ट था उसको हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हो गया 1/3 इतना पार्ट, ये हो गया 2/3 क्योंकि ये 2 पार्ट है, 1 पार्ट ये, 1 पार्ट ये, 2 पार्ट हो गए, 2 के 3 हिस्से कर रहे हैं हम। फिर ये पूरा हो जाएगा 3/3 मतलब ये 3 हिस्से ना, 1, 2, 3, ठीक है, 3 टोटल हिस्से हैं। तो 3 का 3 ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, 3/3 यानी कि होल इसको कहेंगे। 3 को 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो इस तरह से ये मिल जाएगा। फिर सिमिलरली हाउ वुड यू शो 0/3 एंड 3/3 ऑन द दिस नंबर लाइन। तो 0/3 हम ऐसे लिख लेंगे इस पॉइंट पे क्योंकि ये लाइन की शुरुआत है, तो
तो इसको हम 0/3 रख देंगे और इसको 3/3 या फिर 1, ठीक है, जैसा कि दिखाया गया है। 0/3 इज द पॉइंट 0 वेयर सिंस 3/3 इज 1 होल, तो वही चीज ये कह रहे हैं, ये 0.0/3 है और 3/3 है वो होल है, ये फिगर में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सो इफ वी हैव टू सो 3/7 ऑन अ नंबर लाइन, तो सीधे से ये भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि सो इफ वी हैव टू सो 3/7 ऑन अ नंबर लाइन देन इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट शुड द लेंथ बिटवीन 0 and 1 वी डिवाइडेड, ये पूछ रहे हैं। इफ पी शोज 3/7 देन हाउ मेनी इक्वल डिवीजन लाई बिटवीन 0 and P, वेयर डू 0/7 and 7/7 लाई, तो ये आपको करके बताना है। तो इस तरह से मान लो एक लाइन हमने खींच ली, ठीक है, यहाँ मान लिया 0, यहाँ मान लिया 1, 0 से 1 तक के लिए हमने क्या किया, एक लाइन खींच ली, ठीक है, ये 0 हो गया, इधर 1 हो गया। अब क्या कह रहे हैं, इस पीस शोज 3/7, तो हमें ये टोटल यहाँ 7 माना है ना, तो इसको 7 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 पार्ट हो गए, तो ये 0/1 हो गया, ये 1/7 हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये 2/7 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, 3/7, 4/7, 5/7 और ये गलत हो गया, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7, ठीक है, ये 7/7, 4/7, 3/7, 2/7, 1/7 और ये 0/7, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं, इफ पी शोज 3/7, तो ये पार्ट है पी, इसको पी माना है 3/7 का, देन हाउ मेनी इक्वल डिवीजन लाइज बिटवीन 0 and P, तो ये 0 है और ये P है, तो यहाँ तक कितने इक्वल डिवीजन होंगे, तो 1, 2, 3, 3 इक्वल डिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। और फिर पूछ रहे हैं वेयर डू 0/7, तो 0/7 यहाँ लाई करेगा और 7/7 यहाँ लाई करेगा, ठीक है, ठीक है। हमें क्या करना था, एक लाइन के 7 पार्ट बनाने थे, ठीक है, 7, फिर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन बाद में देखेंगे, पहले कुछ ट्राइडीज दिया हुआ है और ऊपर है कुछ, ऊपर नहीं है, तो यही जो ट्राइडीज है उसको पहले कर लेते हैं कंप्लीट। देखिए ट्राइडीज में ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं शो 3/5 ऑन अ नंबर लाइन, तो एक नंबर लाइन पे क्या करना है आपको, 3/5 शो करना है। तो हम जानते हैं कि जो 3/5 है वो 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है, ये चलो ठीक है, कुछ नहीं, वी नो, हम ऐसे भी कह सकते हैं, वी नो दैट 3/5 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, सो इट शुड लाई बिटवीन, ये किसके बीच आएगा, 0 से 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। सिंस वी हैव टू शो 3/5 सो वी डिवाइडेड द गैप बिटवीन 0 and 1 into 5 equal parts, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले 7 equal part में डिवाइड किया था उस लाइन को, इसी तरह से क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे जिसको 5 equal parts में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। किस तरह से, यहाँ हमने मान लिया 0 है, यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5, इस तरह से हमने लाइन बना ली, तो ये क्या हो जाएगा, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5, ठीक है। तो अब ये क्या पूछ रहे हैं कि 3/5 यानी कि ये जो है उसको शो करना था ऑन अ नंबर लाइन, तो इस पॉइंट को हम P मान लेंगे जैसा कि हमने पहले माना था, तो देन द पॉइंट P रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 3/5, तो जो पॉइंट P है वो क्या करेगा, आपका जो फ्रैक्शन है उसको रिप्रेजेंट करेगा 3/5 को, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर लाइन के सेक्शन को समझ लेते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, शो 1/10, 0/10, 5/10 एंड 10/10 ऑन अ नंबर लाइन, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी नो दैट 1/10, 0/10, 5/10 एंड 10/10
आर अ फ्रैक्शन सच दैट, ये भी क्या है, जीरो से तो बड़े हैं लेकिन वन से कैसे हैं, छोटे हैं। ये सारे फ्रैक्शन जीरो से बड़े हैं लेकिन वन से छोटे हैं। तो सिंस वी हैव टू शो 1/10, 0/10, 5/10 एंड 10/10, सो वी डिवाइड द गैप बिटवीन 0 एंड 1 इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो अब की बार हमें क्या करना है, लाइन थोड़ी सी बड़ी बनानी होगी, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ 0 लगाना है और यहाँ लगाना है 10, और इसके बीच में इसको हमें क्या करना है, 10 इक्वल पार्ट्स में हमको हमें इस लाइन को डिवाइड करना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये बराबर नहीं हुआ लेकिन बराबर समझ रहे 10 वाला, ठीक है। तो 10 पार्ट में हमने इसको किया डिवाइड। अब ये क्या कह रहे हैं कि 1/10, तो ये पार्ट हो जाएगा 1/10, ठीक है, 1/10, ये 2/10, ये 3/10, ये 4/10, और ये जो लाइन है ये वाला पार्ट ये हो जाएगा 5/10। तो इन्होंने क्या पूछा है, 1/10 बताना है एक, तो दूसरा 5/10 बताना है और फिर 10/10, ये पार्ट हो जाएगा 10/10। तो ये तीन पॉइंट हमको बताने थे नंबर लाइन पे, तो ये हमने बता दिए हैं। अब ये कह रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में, कैन यू शो एनी अदर फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1, तो क्या आप कोई और भी फ्रैक्शन बता सकते हैं 0 और 1 के बीच में। तो ठीक है, हम लिख सकते हैं, यस वी कैन शो एनी फ्रैक्शन बिटवीन 1 एंड 0, हम कैसे लिख सकते हैं, 1/7 भी लिख सकते हैं, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, ये 5 फ्रैक्शन हो जाएंगे। ये हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में लिख सकते हैं। अब कह रहे हैं राइट 5 मोर फ्रैक्शन दैट यू कैन शो एंड डेपिक्ट देम ऑन अ नंबर लाइन। तो ये फ्रैक्शन हम जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उनको ही हम ऐसे करके लिख देंगे, जैसे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, ये 5 फ्रैक्शन हो जाएंगे हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, ये कहाँ है, 0 से 1 के बीच में है। हमने लाइन को क्या किया, 7 पार्ट में डिवाइड किया, 8 में भी कर सकते हैं, 9 में भी कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहे, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट फोर्थ वाला, कि हाउ मैनी फ्रैक्शन लाई बिटवीन 0 एंड 1, थिंक डिस्कस एंड राइट योर आंसर। तो अब ये पूछ रहे हैं कि 0 से 1 के बीच में आखिर कितने फ्रैक्शन आ सकते हैं। तो सिंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, अब लाइन पे हमें खुद ही तो बनाने हैं, तो हम कितने भी बना सकते हैं, है ना, इनफाइनाइट बना सकते हैं, है ना, 0 एंड 1 के बीच में। देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1, तो इसका आंसर हम इनफाइनाइट का ये मार्क होता है इस तरह से लिख दें, या फिर हम सीधा सीधा ऐसे लिख दें इनफाइनाइट, तो INFINITI, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। तो ये हमारा ट्राइडिज भी खत्म हो गया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है क्या, होता है प्रॉपर फ्रैक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।